सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी या लैपटॉप दोनों पे दोस्तों आप यूएसबी पोर्ट जो होती हैं उन्हें डिसेबल कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यूएसबी को कनेक्ट किया और यहाँ पर शो कर रही है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं ताकि आप कोई भी यूएसबी पोर्ट पे रिमूवेबल डिस्क यूएसबी या कोई हार्ड ड्राइव लगाएं तो वो यहाँ पर शो नहीं करेगी। तो पहले तो दोस्तों आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना और यहाँ पर रन टैप कर लेना है। रन टैप करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने रिच एडिट टैप कर लेना है। ये टाइप करने के बाद दोस्तों आपने इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको ऊपर यहाँ पर शो हो रहा होगा कि आपने कौन से फोल्डर में जाना है। तो यहाँ पर आप एच की लोकल मशीन के फोल्डर को खोल लें। इसके बाद नीचे आप सिस्टम के फोल्डर में चले जाएं। इसके बाद दोस्तों आपने करंट कंट्रोल सेट में चले जाना है और इसके बाद आपने नीचे सर्विस के फोल्डर को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफी सारे फोल्डर मिल जाएंगे। आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है और यहाँ पर आपको यूएसबी स्टोर मिल जाएगा। तो इस पे आपने क्लिक कर लेना और साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने स्टार्ट पे राइट क्लिक करना और मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो 3 है, यानी कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है अभी अनेबल है। तो चलिए यहाँ पर हम यूएसबी ड्राइव को यहाँ से हटा देते हैं, अनप्लग करते हैं अपनी यूएसबी ड्राइव को। और यहाँ पर दोस्तों आपने 3 को हटा के 4 टैप कर देना है यहाँ पर। इसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। और दोस्तों अगर अब आप यूएसबी अपनी कनेक्ट करते हैं अपने पीसी से तो वो शो नहीं करेगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे भी यहाँ पर शो नहीं कर रही। तो चलिए वापस इस पर राइट क्लिक कर लें और यहाँ पर दोस्तों वैल्यू को वापस 3 टैप कर दें। इसके बाद ओके पे क्लिक कर लें। इसके बाद एक बार फिर से दोस्तों आपने यूएसबी को उतार के वापस लगा लेना है और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी यूएसबी जो है वो शो कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी यूएसबी पोर्ट को डिसेबल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड क्विक वीडियो थी, मुझसे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करें इन्हें। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो एक बार फिर दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।